ऐश्वर्या राय रणबीर कपूर से लेकर रानी मुखर्जी और शाहिद कपूर तक नजर डालते हैं बॉलीवुड की उन 8 अनयूजुअल ऑन स्क्रीन पेयर्स पर जिन्होंने फैंस को सरप्राइज कर दिया। बॉलीवुड ने वैसे तो व्यूअर्स और फैंस को काफी सारे अडोरेबल ऑन स्क्रीन कपल्स दिए हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने नॉर्म्स को तोड़कर काफी न्यू और फ्रेश पेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जिसने फैंस को सरप्राइज कर दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर का। फिल्म ए दिल है मुश्किल में सभी ने ऐश्वर्या और रणबीर की जोड़ी देखी। ये अपने आप में काफी अनयूजुअल पेयरिंग थी, लेकिन इन दोनों की ही केमिस्ट्री वाकई काफी सिजलिंग थी। नंबर 2, शाहिद कपूर और रानी मुखर्जी। 2009 की फिल्म दिल बोले हड़िप्पा में शाहिद और रानी मुखर्जी को एक दूसरे के साथ कास्ट किया गया, जहाँ ये दोनों ऑन स्क्रीन साथ में काफी अडोरेबल लगे। नंबर 3, इरफान खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म पीकू में इरफान खान और दीपिका की पेयरिंग काफी अनयूजुअल थी, हालांकि स्टोरी लाइन के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी परफेक्टली फिट बैठे। नंबर 4, फारा खान एंड बमन ईरानी। इन दोनों ने ही अपना ऑन स्क्रीन डेब्यू शिरन फरहाद की तो निकल पड़ी फिल्म में किया, जहां फारा ने अपनी एक्टिंग से सभी ऑडियंस को इम्प्रेस किया, तो वहीं बमन ईरानी भी फारा के साथ अपनी केमिस्ट्री में काफी कंफर्टेबल नजर आए। नंबर 5, करीना कपूर खान एंड सुमित व्यास। फैंस काफी सरप्राइज हुए जब उन्होंने करीना कपूर को बॉलीवुड एक्टर सुमित व्यास के ऑपोजिट देखा। फिल्म वेरी दी वेडिंग में इन दोनों की जोड़ी काफी रिफ्रेशिंग थी और इनकी केमिस्ट्री भी काफी वेल रिसीव्ड रही। नंबर 6, राहुल बोस और मल्लिका शेरावत। प्यार के साइड इफेक्ट्स मेकर्स ने जब राहुल और मल्लिका को एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट किया तो फैंस को काफी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री नजर आई। रियल लाइफ में इन दोनों की मूवी चॉइसेस काफी अलग हैं और साथ ही साथ इनके एक्टिंग स्टाइल्स भी काफी अलग हैं। हालांकि ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी काफी फन फील्ड रही। नंबर 7, रणबीर कपूर और कोंकणा सेन शर्मा। इन दोनों को हमने फिल्म वेकअप सिड में एक दूसरे को रोमांस करते हुए देखा। इनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन काफी अनयूजुअल रही, हालांकि स्टोरी लाइन के हिसाब से इनकी केमिस्ट्री काफी रियलिस्टिक थी। नंबर 8, डेढ़ इश्किया कपल। जब डेढ़ इश्किया के मेकर्स ने नसरुद्दीन शाह और माधुरी दीक्षित को साथ कास्ट किया तो फैंस काफी सरप्राइज्ड हो गए। हालांकि स्टोरी लाइन के हिसाब से इन दोनों की जोड़ी काफी मेमोरेबल रही। आपका इस लिस्ट पर क्या कहना है कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।